ये मेरा माइक है और ये मेरे ससुराल के लोग देखो मैंने देखो रंगीन कर दिया चीनी वो कल आ जाएगी मत रो बेटा मत रो देखो भैया नहीं आ सकती लोग आने संडे को आते हैं हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। जैसा कि आपने पहले के ब्लॉग में देखा कि अर्धनारेश्वर जी ने आकर हमारे पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद दिया। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा। लोगों को देखने वाले को भी राजी रखे, दीदी को भी राजी रखे, मेरे भैया और भाभी को भी राजी रखे। ईश्वर हमेशा खुशियों से आपका जीवन और फॉलोअर्स बढ़े आपके, लाइक करना हमारे भैया भाभी को भी। इसी हालत में हूँ और भाभी के घर से सब आभी का लेने के लिए मैं लगी हुई अभी दूसरे काम में। आज का खाना तो बनता जी ने yes. मौसी ने सॉरी मौसी ने बनाया, टेस्ट करके बताइएगा। थोड़ा काम संभालती मैं मेरा बच्चा। कितने दिन में आएगी? मंडे तक क्या करेंगे? शाम को वापस। अच्छा नहीं, अब हमें बुरा लग रहा है, हम वापस नहीं आए इसलिए। रात तक आ जाएगी क्या करेगी फिर? कल चल जाए मिलने के लिए। यहाँ पर आप लोग ये कमेंट मत करिएगा कि दीदी कम से कम कैमरे में आने से पहले बाल तो बना लिया करिए। मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है कि पहले मैं अपने आप को रेडी करूँ फिर कैमरा उठाऊँ। मैं बस जैसा मुझे शूट करना होता है मैं कर लेती हूँ, उसके लिए रेडी नहीं हो पाती हूँ। हम एक को बुलाते दो दो आती है। हाँ। शाम को आवाज दिया राजेश। यहाँ पर भाभी और मेरा नाम चिंकी है ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है। चिंकी आवाज़ देते हैं मम्मी पापा या कोई भी, तो दोनों बोलते हैं हाँ, तो अब नाम रख दिया है बड़ी चिंकी छोटी चिंकी। यहाँ पर भाभी की बातें सुनिएगा कि वो क्या बोल रहे हैं। ये मेरा माइक है और ये मेरे ससुराल के, ये है ससुराल के, ये चलो चलो ले जाओ, चलो ये मेरे को बहू बनाने का। ये भैया बना रहे हैं यार। दीदी यार भाई इधर ये है ना, इधर से आ जाओ, इधर शाम को आ जाएगी। नहीं 3 बजे जा रही है ना, आ जाएगी ना, फिर कल फिर चली जाएगी, लॉक डाउन करेगी। भाभी के पापा का ना बार बार फोन आ रहा था, क्योंकि जो मुहूर्त है ना घर से निकलने का, मतलब सिर्फ घर से निकल जाना चाहिए 3 बजे से पहले, और हम लोग बातों में इतने ज़्यादा बिजी हो गए ना, बिजी क्या हो गए, मन ही नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था सब लोग साथ में बैठे रहे, मुहूर्त वाली बात नहीं होती ना, तो फिर ये मीटिंग रात तक तो चलती ही चलती, क्योंकि कितनी सारी बातें होती हैं शादी वाली, मतलब कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, दोनों परिवार अभी तक ऐसे मिले नहीं हैं, तो हमको बैठ कर ऐसी बातें करनी है तो बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चल। वैसे भी हम लोग जब भी मिलते हैं ना हमको टाइम का पता नहीं चलता, बार बार पापा फ़ोन कर रहे थे और भैया कह रहे थे कि कैसे भी करके 3 बजे तक हमें नीचे पहुंचना है, और सिर्फ 5 मिनट बचे हुए थे, तो हमारे लिए इतना बड़ा टास्क था ना। और इसके बाद भी भाभी का मन नहीं माना, ओली वगैरह जब मम्मी ने भर दी तो उसके बाद बोलती हैं कि दीदी आप मुझे टीका लगाओगे ना फिर मैं यहाँ से जाऊँगी। तो जब मैंने उनको ये पूरी वीडियो आप देखिए, मैं आगे आपको शेयर कर रही हूँ कि क्या हुआ था। है लड़की क्या, तो दोनों इकट्ठा। हाँ सुर जाजा डाल देना, वो जा रही हो ना, दुख हो रहा है भाई, बहू जा रही सास को दुख हो रहा है।
पापा अनकल पूरी पिड़ोक डप्पल आ जाएंगे आपके अकेले के नहीं भैया के भी वो फिल्म का वीर देख रहा है विलन लास्ट में ना निकल जाऊं अपन ना मेरा भी पिंक है तिलक वाला अपन साथ में पहनेंगे मैं बोल रही हूँ साथ में पहनने का हाँ अभी आएगी ना वो टी-शर्ट दे देना येलो वाली हो गया आपका दाती भैया बोला कितनी बार 5 बार भरना नींद हो गई इसलिए पेट भी साफ हो गया किन्ना की नहीं किन्ना अच्छा आज बात नहीं बढ़ा थी कर दिया रंगीन देखो मेरे दीदी रंगीन कर दिया आज से अब दीदी ऐसी रहेंगी बिंदी लगा के फिर लगाओ तेरी अब रात में वापस जाने का बेटा नहीं ये तो नहीं होगा अबे 5 मिनट बचा है उठ जाओ उठ जा दौड़ कितनी रौनक हो गई ना हमारे घर में समय का पता ही नहीं चलता लक्ष्मी आई है हमारे यहाँ लेकिन वो घर कितना सूना हो गया है ना जहाँ पर उन्होंने बचपन बिताया था जहाँ पर उनके मम्मी पापा भाई बहन भाभी भतीजी हैं कैसा लगता होगा ना मैं भी खुद भी एक बेटी हूँ ना इसलिए इस फीलिंग को मैं समझती हूँ कितने सपने होते हैं लड़कियों के शादी के समय शादी से पहले भी कि ससुराल जाएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा हमें प्यार मिलेगा हमें सम्मान मिलेगा कोई कुछ भी कर ले मायके की जगह नहीं ले सकता और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों घरों की अपनी अपनी जगह होती है बस उसको मेंटेन करना आना चाहिए जितना प्यार ससुराल वालों को करना चाहिए ना उतना प्यार मायके वालों को भी ये नहीं है कि ससुराल आ गए हैं तो अब कोई किसी की जगह ले लेता है जगह नहीं लेता है और देनी भी नहीं चाहिए जब भी ज़रूरत पड़े तो मायके में हमेशा हाजिर रहना चाहिए मम्मी पापा के लिए भाई बहन के लिए दीदी जब आई थी लगुन लेकर ना तो उन्होंने कहा था कि अब शुभा आपकी हो गई और आप उसकी बड़ी दीदी हो तब मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि नहीं दीदी उसकी बड़ी बहन आप ही रहोगी और यही होना चाहिए हम किसी की जगह नहीं ले सकते हमारी अपनी एक जगह है तो यही प्यार जो आप देख रहे हैं ना ये ऐसे ही बना रहेगा शुभा को जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो दोनों परिवार उसके साथ हैं दोनों परिवार को ज़रूरत पड़ेगी तो शुभा हमारे साथ है और अगर वो कुछ नहीं समझ पा रही तो समझाने के लिए इतने बड़े लोग हैं ना हम लोग आपस में भी समझ लेंगे उसको भी समझा देंगे बस यही जो प्यार है सम्मान है सबसे पहले तो अगर दिल में सम्मान है ना तो रिश्ता हमेशा वैसा का वैसा ही रहा आता है तो मैं चाहती हूँ कि एक दूसरे के प्रति जो हमारे मन में जो इज्जत है वो हमेशा बनी रहे हाँ उसको बैलेंस करना होगा वो हम बखूबी कर लेंगे अब भाभी जा रही हैं अब हमारे घर की रौनक वहाँ पर हो जाएगी और इतने अच्छे से इन लोगों ने स्वागत किया ना वो क्लिप भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कितने अच्छे से स्वागत किया भाभी का प्रोफेशन से तो शुभम भैया एडवोकेट हैं लेकिन उनके साथ बैठो ना तो बिल्कुल भी नहीं लगता है इतनी ज़्यादा मस्ती करते हैं ना वो इतने मजाकिया हैं कि समय का पता ही नहीं चलता है भाभी अपने आप में ही एक अल्टीमेट पीस है बहुत अच्छा नेचर है उनका भी कब आएगी मैं आ सकती हूँ संडे को आती मत रो मत रो मत रो चिनु वो कल आ जाएगी मत रो बेटा मत रो देखो सर वैसे ही पता है सुनो तो पता है कि वैसे भी विदा हो गई घर से निकले मतलब विदा हो
इसको देखो कैसे काशी बुरा लग रहा बेटा। कौन का इनका? तेरे चप्पल ने रख लिया यार। लड़की का इधर रख के हमारी तो देखो उसकी हालत तो देख। ए ये तो नहीं लिया। मैंने कब लिया? कल आ जाना। कल भी जाएगा ना? मेरा मुंह है ऊपर ही चले देवदास। अब तो तेरा फोन मैं से ले लेगा। अभी दो दिन मेरे को फोन का सहारा था। सुबह थी तो फोन नहीं ले रहा था ये मेरे से। तो सुबह में बिजी था तो अपना फोन ही ले रहा था। अब वो सुबह चली गई, अपना फोन ले लेगा। सुबह पहुंच चुकी है। वेलकम के लिए सभी लोग रेडी हैं। पापा के चेहरे की खुशी जो कि आपको हमेशा देखने के लिए मिलती होगी, उनको देखकर ना हमको और ज़्यादा खुशी होती है। कितना इंतज़ार करते हैं ना ये शुभांगी दीदी। इनके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही सुलझा हुआ नेचर है। इतने सालों से ससुराल मायका बहुत अच्छे से दीदी ने मेंटेन किया हुआ है। जितना बोलूँ इनके लिए उतना कम है। आते से सबका डांस शुरू हो गया, मुझे यहाँ पर म्यूट करना पड़ा, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग बातें थी इनकी। क्योंकि म्यूज़िक चल रहा था कॉपीराइट आता, इसलिए मैं आपको नहीं सुना पाई। इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी ही अपने नेक्स्ट व्लॉग में इसी खुशी के साथ में। ईश्वर आप सभी के घर में बरकत लाए, आपके घर में भी इतनी ही खुशियाँ हों, इससे ज़्यादा खुशियाँ हों, यही कामना हम करते हैं कि जितने भी लोग देख रहे हैं सबके घर में सुख समृद्धि बनी रहे।